का ठेका लिया है, ठेका दिया, ठीक है हम नहीं मानते ठेका, वो तो देगा, तो उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि कितना वसूली के लिए दिया गया है। तुम पावती बोलते हैं कि 15 रुपये का पैसे, 20 रुपये का पावती, बस उसके ऊपर नहीं है पावती, फिर तुम 200-250 रुपये वसूली जा रहा था, वो तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है, वो खरीदे वो तुमको समझ में नहीं आता, ठेकेदार कुछ भी अपनी मनमानी से वसूली करता है। ठीक है, मैंने भी पहले लिया था ठेका, मैंने भी वसूली किया, मगर ये नहीं कि मेरे को नहीं जमना, मैंने बंद कर दिया, ये नहीं होता है कि 200-250 रुपये किसी से गरीब लोगों से उनका धंधा नहीं होता है, 2 घंटे के लिए धंधा लगाते हैं, उनका धंधा नहीं होता है, 60 रुपये लेने के लिए पहुंच जाते शाम के टाइम पे डेली का, और बाजार के संडे के दिन 300-400-500 आपने खुद देखा है अभी लाइन में, आप मालूम है। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूं वसई के ईस्ट में सातीवली में, हमारे साथ में यहां पर सातीवली के ही पूर्व नगर सेवक मोहम्मद खटीक साहब मौजूद हैं, और हाल ही में मोहम्मद खटीक साहब ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस नोट डाला था, उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं क्या विषय है। तो नमस्कार। नमस्कार सर, आपने हाल ही में कुछ चंद दिनों पहले एक प्रेस नोट ऐसा डाला था कि सातीवली में जो रविवार बाजार जो हम अभी दिखाई दे रहा है बाजार भरता है, उसको लेकर आपको कुछ परेशानी थी, क्या है विषय, प्रकरण बताइए। क्या ये बाजार मार्केट कुछ दिनों पहले मैं लिया हुआ था, हमारे कुछ पार्टनर के साथ में मिलके हम लिए थे, उस टाइम पे वसूली हो रहा था, सही से वसूली हो रहा था, बाजार मार्केट लगता था, चलो ठीक है अपने गांव के एरिया के लोग लगाते हैं, मगर अभी उस मार्केट में समझो साल भर हो गया है, वो मैंने छोड़ दिया बोला, तो मार्केट का टेंडर ही दूसरे के नाम पे लग गया है, अभी उसमें अपना कोई लेन देन नहीं है, मेरे वो वसूली करने वाले हैं वो मेरा ही नाम लेके वसूली करते हैं, और कुछ भी रेट लेते हैं, किसी गरीब को परेशान करते हैं, दुकान फेंक देंगे, दुकान तोड़ देंगे, हम अभी लगने नहीं देंगे, तुम्हारे को लगाने नहीं देंगे, ऐसा करके लोगों को बहुत हरेशमेंट किया जाता है। आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि आप एक पूर्व नगर सेवक होने के नाते आपके नाम का इस्तेमाल किया जाकर यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है। हाँ, वही हो रहा है ना, मेरे को और कुछ जो इनका माल फेंका जाता है, किसी को तोड़ा जाता है, उनको बोला जाता है तो बोलते हैं खाली सबका जाओ, वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, अभी गाँव का एरिया है, चलो ठीक है महानगर पालिका ने किसी को टेंडर किसी के नाम पे लगा, मेरे को उससे कोई एतराज नहीं किसी के नाम, मगर वसूली करो ना, जो महानगर पालिका ने फिक्स करके दिया रेट, जो दिया है रेट है 15 रुपये से 20 रुपये पावती का, कितना वसूली होता है अभी तभी मैं बोलूँ तो बोलेगा ना, ये तो कोई भड़का रहे पब्लिक को, ये 200-500 ऐसा कुछ भी लेते, आप मार्केट में आप खुद तय कर देख सकते, उनसे पूछ सकते, मैं नहीं बताएगा, मतलब रेट ज़्यादा खरीद वसूली जा जब से दादागिरी दिखा के उनका माल झोड़ करके उनको माल फेंक के कुछ भी करने का उनको। जैसे मार्केट दो तरीके हैं, एक साप्ताहिक और एक दैनिक है, दैनिक दोनों में है कि एक मार्केट दोनों में है सर, 15 रुपये का पावती 20 रुपये का पावती है, उनसे 60 रुपये वसूली जा रहा है दैनिक में और डेली, और बाजार का तो मैं बोलता हूँ 300-400, आप अभी खुद अभी लाइन में अभी खड़े हैं तो आप खुद देख लो, उनसे पूछो, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ करके, सामने खड़े लोग उनसे पूछो, मार्केट में आए हुए हैं और बाजार धंधा जो कर रहे हैं उनसे भी पूछो। तो ये हम बात कर रहे थे अभी मोहम्मद खटीक साहब से, जो पूर्व नगर सेवक है, इन्होंने जिस तरह से अभी बताया कि यहाँ मार्केट में अवैध वसूली चरम पर है, और एक धंधे से 500 रुपये तक वसूले जाते हैं, यानी कि 500 रुपये की वसूली एक दिन में एक धंधे से, कितना बड़ा ये यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग और कितना बड़ा यहाँ का पूरा अवैध कारोबार है। ये चीज़ के अलावा एक दूसरी चीज़ आप मार्केट में नज़र डालेंगे, इस मार्केट में कितनी खामियां हैं और महानगर पालिका क्यों इस मार्केट पर ध्यान नहीं दे रही है, इस चीज़ पे आपका लक्ष्य दूंगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, जो दुकानदार है जो पैसा अपना ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं उनकी बात भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बताता हूँ कि आप देख सकते हैं मार्केट में ये जो रास्ता है, ये रास्ता सातीवली से मौर्या नाका की ओर जाता है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पे ये जो रिक्शा है ये आम रास्ता है, ये रिक्शा है बमुश्किल निकल रहा है, और इससे ज़्यादा बुरा हाल मौर्या नाका से लेकर तुंगारपाड़ा तक का है, जहाँ रोड के दोनों तरफ रोड को एक तरह से बिल्कुल ब्लॉक किया जाकर वहाँ धंधा लग रहा है, यानी कि पूरा का पूरा संडे के दिन अगर आप आएगा तो इस रोड के ऊपर आपको यहाँ से बाहर निकलना है, आप नहीं निकल पाएंगे, अघोषित रूप से यहाँ पर रोड को अतिक्रमण रोड पर अतिक्रमण करके यहाँ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कोरोना का समय है अभी हाल फिलहाल में, कोरोना में जहाँ दुकानों में भीड़ अलाउ नहीं है, जहाँ सामाजिक धार्मिक स्थलों पे भीड़ अलाउ नहीं है, मार्केट में आप देख सकते हैं
सैकड़ों नहीं हजारों में भीड़ है और भीड़ के चेहरे पर से मास्क गायब है। आप यहाँ कहाँ जहाँ कैमरा घुमाइए जरा आप दिखाइए, अक्सर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। आने वाले लोग अब ये जो संगठित तौर पर इस तरह से मार्केट लगवा कर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ाई जा रही है, इस तरह से नियमों की धज्जा उड़ाई जा रही है, लेकिन महानगर पालिका सहायक आयुक्त प्रभाग जी जो कि पहुंच जाते हैं किसी शादी कार्यक्रम में, वहां जाकर लोगों के ऊपर 50,000 का दंड लगाते हैं, वो यहां नहीं आते हैं। सवाल बड़ा है कि इसके पीछे कारण क्या, महानगर पालिका अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी हम आपको सीधे ले चलते हैं जो दुकान धंधा लगाने वाले उनसे और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ वो कितना पैसा देते हैं। हाँ कांदे बैठे का मैं धंधा करता हूँ 17 साल से पूरा पड़ा साथ। हाँ कितना 400 रुपया 400 रुपया लेता है तो पावती तो देता ही नहीं है। रोज का कितने का है? आप हमेशा धंधा लगाते हो? हाँ हमेशा उधर सातुली नाके पे लगता है तो उसका 60 रुपया लेता है, 20 का पावती देता है। और हाँ 20 का पावती देता है और रविवार के दिन पावती नहीं दिया जाता पावती है और 400 रुपया। आपका नाम क्या बताया? अनु कुमार सिन्हा। ये हम ले चलते दूसरे। आपका नाम क्या है? मुन्ना सिंह। आपका धंधा लगाने का कितना पैसा वसूल किया जाता है? 300 रुपये। 300 रुपये यानी कि यहाँ भी अलग अलग भाव तो होता है, किसी से 300 किसी से 400। छोटा धंधा है तो 300, थोड़ा सा बड़ा है तो 400 500 600। आपने कभी पूछा नहीं कि 300 रुपये का पावती कहाँ है, कैसे हम दे दें? सीधा बोलता है माल फेंकते हैं, धंधा मत लगाओ। ये जो खड़े हैं नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक बराबर पहले, हाँ तो इनका नाम लेके आपको कोई धमकाता है क्या? धमकाया नहीं, इनका नाम नहीं, ऐसा कि ये इनका माल है, इनका हम आदमी लोग ऐसा। हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं साहब के ही जाते हैं। बता दो भाई आपसे पावती लेते हैं कितना लेते हैं? 500 रुपये। कौन लेता है? उधर आते हैं जो वसूली करना। किसका नाम लेके लेते हैं? आपने कभी पूछा नहीं कि 500 रुपये के हिसाब से 500 रुपये? वो लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि 500 रुपये देना पड़ेगा पावती। आपका नाम क्या है? मुकेश। आपने कहीं शिकायत नहीं किया महानगर? हम लोग करते हैं महानगर पालिका, एक आदमी का सुनने से सब धंधे वाले कोई नहीं जाता इसकी वजह से। लेडीज लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव जी है। शिव जी आप ये जो धंधा लगाते हो रविवार को, आपसे कितना पैसा वसूल किया जाता है? 150 रुपये। कौन वसूल करता है? पावती वाले। पावती देते हैं? पावती पहले दे रहे थे, अभी नहीं देते। अभी नहीं देते। और आप रविवार के अलावा दूसरे दिनों में लगाते हैं धंधा कि नहीं? हाँ लगता है डेली। कहाँ लगता है? यही इसी से? नहीं नाके पे। वहाँ पे कितना पैसा उसको? वहाँ पे साठ रुपये। तो आपसे पावती का कितना पैसा वसूल जाता है? 250 रुपये। 250 रुपये आप हमेशा लगाते हो कि खाली संडे को लगाते हैं? हम लोग का संडे का है। संडे का 250 रुपये का आपको पावती वगैरह दिया जाता है? नहीं पावती तो नहीं दिया जाता। पावती नहीं? अगर आप मना कर दो कि 250 रुपये इतना नहीं देंगे तो आपको कुछ बोलते हैं? मेरे को इतना दो, हम लोग का इतना टेंडर है, बोलते हैं हम लोग को देना पड़ता है, लगाते हैं तो देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, चलना भी नागवार है, चलना भी दुश्वार है और भीड़ के चेहरे पे मास्क नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसे माहौल में ये बाजार है। कोरोना जा चुका है वैसे विरार, महानगर पालिका के हिसाब से कोरोना जा चुका है। हालांकि विरार महानगर पालिका जो है शादी समारोह के ऊपर या फिर सार्वजनिक प्रोग्राम कार्यक्रम जो होता है धार्मिक कार्यक्रम उसके ऊपर फाइन लगाती है, लेकिन ऐसे मार्केट जहां पर खुलेआम नियमों की धज्जा उड़ रही है, खुलेआम नियमों के खिलाफ काम हो रहा है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती। आगे और भी हो गया है, 200 रुपये पावती हो गया ठेला। ये तो खड़े पावती वाले, तब वही हम सिर को बोल रहा हूँ ना। ये तो बोल रहे मेरा नहीं, अरे हमारा नहीं है अभी पावती, वो क्लास सिर के पावती है ना। हाँ तो इतना पावती कहाँ से बोल? पावती नहीं देने के, नहीं दोगे तो क्या हुआ? पावती नहीं देंगे तो काटा बाटा उठा के लेके जाएंगे, उनका टेंडर है। काटा उठाने का उनको परमिशन है? काटा परमिशन है तो धंधा हम लोग कैसे करे गरीब आदमी, इतना पावती बढ़िया कैसे होगा? क्या नाम है तुम्हारा? रहमान। हाँ रहमान अली। रहमान जी आप ये धंधा लगाते हो कितना पैसा देते हो? 250 रुपये देते हैं। 250 रुपये सिर्फ रविवार को लगाते हो बाजार में या खाली हफ्ते में एक दिन? हफ्ते में एक दिन। मोहम्मद अशरफ जी आप ये धंधा लगाते हो उसके लिए पावती का पैसा कितना
वही 200-250 लेते हैं। 200-250 रुपये? जी जी। अच्छा, 200-250 रुपये देने के लिए आपने कभी पावती का मांग किया कि पावती दे दो 200 रुपये का 250 रुपये का? नहीं, पावती का मांग क्यों नहीं। तो बिना पावती का तो पैसा क्यों किसी को दिया जाए? नहीं देना चाहिए ना बिना पावती का। अगर आपने कभी मना किया है कि हम पैसा नहीं देंगे तो आपको कुछ डराया धमकाया गया? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप अपनी खुशी से देते। विजय भाई, विजय जी, आप ये जो धंधा लगा तो उसके लिए कितना पैसा देते हैं? मैं तो अभी दे नहीं रहा था, अभी तो फिलहाल 50 रुपये देता हूँ। 50 रुपये? और उधर का? हमने अभी आपको दिखाया किस तरह से नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद खटीक से हमने बात किया, उसके बाद में यहाँ धंधा लगाने वाले से बात किया। अभी हमारे साथ में खड़े हैं वसीम भाई। ये वसीम भाई जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता है, पदाधिकारी है, इनसे कुछ चर्चा करते हैं। वसीम भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी आपके। वसीम भाई, ये जो मार्केट साप्ताहिक मार्केट लगता है जी जी, इससे आपको कुछ दिक्कत महसूस होती है? सर जी, दिक्कत इतनी है कि समझो अपना सातोली से लेके जो नाके का रोड है और जो मोरिया नाका से जो हाईवे और जो अपना साईबाबा मंदिर, ये तीनों रोड एकदम ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ऐसे ही ब्लॉक करते हैं जिससे मतलब आदमी को पैदल भी चलने का एकदम वो रहता। अभी कभी किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस को जाना रहे या कभी किसी को जाना रहे तो कुछ भी मतलब, या तो तुंगरपटा से अपना वसईपटा घूम के जाना पड़ेगा या तो फिर जो चिंचोटी वाला जो हाईवे आगे ब्रिज वाला उधर से जाना पड़ेगा। सातवली का मतलब एकदम 2-3 घंटा से इतना ब्लॉक रहता है, पूछो मत। एक तो आपने सवाल उठाया, बहुत जीनियस सवाल है कि इस तरह से रोड को ब्लॉक करने के बाद में कोई इमरजेंसी वाहन कैसे निकलेगा जी। वहीं दूसरी चीज़, कोरोना का हालिया जो समय है, कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन है मार्केट में हो रहा है? सर जी, अभी आप ही कैमरा दिखा दीजिए, एक भी मतलब इसमें ना कोई मास्क है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। और गवर्नमेंट को इतना दिखता है मतलब ये पैसा वसूली करने का जो है धंधा चला है मानगा पालिका का और जो पुलिस का। अभी हम लोगों ने गए मतलब दिन में जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ में व्यवहार हुआ है उसके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे। और जो हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, उसने जो गाइडलाइन दिया उसके ऊपर पुलिस ने हमारे ऊपर FIR किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि सिर्फ महानगर पालिका ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी है जो इन सब चीज़ों से बेखबर बैठा है। जहाँ एक तरफ अगर कोई अच्छे काम के लिए भी प्रदर्शन करता है, ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है, लेकिन यहाँ इस तरह से पूरी हर चीज़ की नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन? ये महानगर पालिका और पुलिस है, प्रशासन का ही। सर आपका नाम? सफात खान। शहबाज खान जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। ये मार्केट से इससे आपको कोई तकलीफ महसूस? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ? जैसे कि हमको बाहर हाईवे की तरफ जाना पड़ा तो हमारे घर से निकलने के लिए किसी तरफ के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ बाजार है, बाइक निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में फिर आप अगर जाना हो तो क्या करते हैं, क्या रास्ता क्या करते हैं? संभाल के निकालना पड़ता है, बाकी और क्या कर सकते हैं? कोई यहाँ सुनने वाला तो है नहीं, झगड़ा होता है, ये किसी को लग गया तो झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है, समझे? आप कुछ मांग करना चाहेंगे महानगर पालिका प्रशासन? मैं तो महानगर पालिका से कहूँगा कि इसको पहले आप आके यहाँ की देखभाल करो, किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरीके से अगर यहाँ से मस्जिद के लिए नमाजी को भी जाना पड़ा तो आप जाके देख सकते हैं, मस्जिद के सामने वाले रोड पर नमाजी भी बराबर चल नहीं सकते, समझे? तो नगर पालिका से मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका का काम है इसको देखभाल करना और नगर पालिका देखे, और यहाँ पे सब अपनी मनमानी हो रही है। धन्यवाद भाई। और क्या आप कहना चाहेंगे? सर अभी क्या है ना, प्रशासन हमारे महानगर पालिका ठेका लिया है, ठेका दिया, ठीक है, हम नहीं मानते ठेका, वो तो देगा, तो उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि कितना वसूली के लिए दिया गया है। तुम पावती बोलते हैं कि 15 रुपये का पैसे 20 रुपये का पावती, बस उसके ऊपर नहीं है पावती, फिर तुम 200-250 रुपये वसूली जा रहा था, वो तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है, वो खरीदे वो तुमको समझ में नहीं आता। ठेकेदार कुछ भी अपनी मनमानी से वसूली करता है, ठीक है, मैंने भी पहले लिया था ठेका, मैंने भी वसूली किया, मगर यही नहीं कि मेरे को नहीं जमा, मैं बंद कर दिया, ये नहीं होता है कि 200-250 रुपये किसी से गरीब लोगों से उनका धंधा नहीं होता है, 2 घंटे के लिए धंधा लगाते हैं, उनका धंधा नहीं होता है, 60 रुपये लेने के लिए पहुँचाते शाम के टाइम पर डेली का, और बाजार के संडे के दिन 300-400-500, आपने खुद देखा है अभी लाइन में, आप मालूम है 400 खुद लोग बोल रहे हैं, फिर ये प्रशासन का क्या करती है प्रशासन? इसका मतलब है ठेकेदार और प्रशासन मिला हुआ है और ये अंधाधुंध चल रहा है, मर रही है पब्लिक। पहले ऐसा डीजल का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, सब हर चीज़ का भाव बढ़ते जा रहा है, ये केंद्र सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, और ये जो है प्रशासन हमारे वहाँ वसई विराज शहर महानगर पालिका ये भी वही काम कर रही है, किसी न किसी तरीके से पब्लिक को हैरेसमेंट हो रहा है और लूटा जा रहा है। बस मैं ये कहूँगा कि पब्लिक महानगर पालिका ने आके खुद ध्यान दे और रोके ये चीज़ को, रोकना ही चाहिए।
जो है अपना लो, हम नहीं मान बोल रहे कि नहीं मत लो, लो जो 15 रुपये 50 रुपये 20 रुपये है 30 रुपये ले सकते हो आप, इतना पर 200 250 300 बहुत बुरा है, तकलीफ है लोगों को, तकलीफ होती है, लोग हमारे पास कंप्लेंट लेके आती है, उस पर हमको जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो ये आपने देखा, हमने अभी जनप्रतिनिधि से बात किया, पूर्व नगर सेवक से बात की, एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रतिनिधि से बात की, और आम आदमी से बात की, और धंधा लगाने वाले से बात की, कुल मिला के इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ सामने नज़र आई कि सिर्फ और सिर्फ नियम जो है वो आम आदमियों के लिए होते हैं, जो माफिया वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, हमने भी बात की, 500 रुपया एक धंधा से आप यहाँ हिसाब लगाएंगे पूरे एरिया में तो करीब नहीं तो 1000 धंधे रहेंगे, उन 1000 धंधों में अगर 500 रुपया वसूली किया जाता तो एक दिन का 5 लाख रुपया वसूली, एक दिन का, और उसका कोई टैक्स नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। तो ये इन सब चीज़ों को पीछे से कौन बैक सपोर्ट कर रहा है, समझ सकते हैं हम, बिना ही देखे बिना ही बोले समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।